पहले मनमोहन सिंह और अब खड़गे, दमोह की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में बुधवार 8 नवंबर को चुनावी रैली में एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। मोदी ने मतदाताओं से कहा कि कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह जिले की चुनावी रैली में 2014 से पहले कांग्रेस शासनकाल में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और वर्तमान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए बिना दोनों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 से पहले जब देश के लोगों ने उनको 10 साल तक काम करने का मौका दिया था, आपको पता ही होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष चल रहे हैं रिमोट कंट्रोल से। बीजेपी के सबसे बड़े चुनाव प्रचारक पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन दिनों प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे और इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी है, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ नहीं कर पाते। नाम मात्र के लिए रख दिया है उनको, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खुद के मूड पर आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का चार्जिंग अगर खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि कल ही उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तो वे सनातन को गाली देते हैं, जब रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में 5 पांडव हैं, देखिए जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है। हमें गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए अपना स्वार्थ जरूरी। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के पिछले शासनकाल और वर्तमान घोषणाओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज का यह समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी पर कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ जरूरी है। पीएम मोदी की 3 सभाओं से 34 सीटों पर होगा असर। दमोह में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली से जिले की 4 विधानसभा सीटों को हटा पथरिया और तेंदुखेड़ा के अलावा सागर की भी 4 सीटों रहली, देवरी, बंडा और पवई पर सीधा असर होगा। गुना की सभा से अशोकनगर, गुना और शिवपुरी की कुल 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। मुरैना की सभा से मुरैना के अलावा भिंड और ग्वालियर की कुल 16 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी अपना असर डालेंगे। आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, तो एमपी का डबल तेजी से डबल विकास, चहुं और विकास। यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है, लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। जब 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो एमपी का बजट 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर
80,000 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचा था, 20 से सिर्फ 80। केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे इस 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3,00,000 करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है, यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत ही आवश्यक है। आज यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में और मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन, आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है, ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई, उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना, भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे, याद है लूटते थे कि नहीं लूटते थे, करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे, या आपका हक का पैसा था कि नहीं था, आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था, लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं, और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2,00,000 करोड़ रुपए। कितने कितने, जरा माताएं बहनें बताइए, कितने कितने? 2,00,000 करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा,
ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है, लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700-800-900 रुपया बचने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।